एवरीवन, इट्स मी सृष्टिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक सनस्क्रीन का रिव्यू। एक्चुअली मैं सनस्क्रीन वैसे न्यूट्रीजिना का यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता ही है, आपने देखा होगा मेरी जितनी भी वीडियोस है, मैं उन सभी में मैंने जो यूज़ किया है सनस्क्रीन वो न्यूट्रीजिना का किया, बिकॉज वो मेरा फेवरेट है और मैं उसे अभी भी यूज़ करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उसे यूज़ नहीं करूँगी, बट मैं इस बार चाह रही थी कि इस समर मैं कुछ नया ट्राई करना चाह रही थी कि कोई अच्छा सा सनस्क्रीन मुझे मिल जाए जो उसके उस जैसा ही हो, है ना। तो मैंने काफ़ी सर्च किया था तो मुझे एक सनस्क्रीन मिला और मैंने उसे मंगवा भी लिया और अब मैं उसे यूज़ भी कर रही हूँ और यूज़ करने के बाद में वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन तो हर कोई मंगाना चाहेगा, चाहे कोई भी हो, स्कूल गोइंग गर्ल, सभी को सनस्क्रीन की ज़रूरत है। और अगर आप लोग में से कोई भी सनस्क्रीन नहीं लगाता है, है ना, तो आप लोग आज से ही शुरू कर दीजिए सनस्क्रीन लगाना, बिकॉज आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे वो पिंपल्स हो रही है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, या आपकी पिगमेंटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि आपकी स्किन है वो मतलब सेफ नहीं है। पड़ेगा सन से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके तभी उस वो आपकी स्किन पर उसकी जो भी हार्मफुल रेज है ना, उससे आपकी स्किन इफेक्ट नहीं करेगी और आप इजीली अपनी स्किन पे कुछ भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट लगा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, काफ़ी लोगों की जैसे सेंसिटिव स्किन होती है, काफ़ी लोग मतलब सोच सोच के लगाना पड़ता है कि यार ये मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा, मैं इसे लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये सारी चीज़ें होती है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत होगी, बट आप उससे पहले अपनी स्किन की केयर करें, उसको प्रोटेक्ट करें। तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अब एक सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है। जो मैंने सनस्क्रीन पर जो जो भी वीडियोस बनाई हैं, मैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर चेक कर लीजिएगा और उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया सन से आपकी स्किन को कितना ज़्यादा नुकसान होता है और सनस्क्रीन लगाने से आपकी स्किन कैसे प्रोटेक्ट हो जाती है ना। तो इन सब पर मैंने वीडियो बनाई है, तो उनके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर उस पर जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको 5 मिनट लगेंगे, 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो आज मैं जो मैंने नया जो ट्राई किया है इस बार, वो मैंने ये वाला मंगाया है और आप देख सकते हैं ये वाला, आपको पढ़ के बताती हूँ। ये जो सनस्क्रीन है ये आस्था बेरी का है, पपैया सनस्क्रीन क्रीम है ये, और SPF 30 दे रखा है इसमें। आपको SPF 45 भी मिल जाएगा और 30 भी मिल जाएगा, आपको जैसा आपको लग रहा है वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल देखा जाए तो 30 सही रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा धूप की प्रॉब्लम है कहीं, मतलब बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ना, तो वहाँ पर आप 50 का भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कंटेन्स नेचुरल स्किन मॉइस्चराइजर्स, पपैया एंजाइम्स हेल्प रिड्यूस डार्क स्पॉट्स, मतलब आपके जो भी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स है ना, उसको भी ये रिड्यूस करता है। और SPF 30 दे रखा है एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन, लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर रेजिस्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग भी है और वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसका जो प्रोडक्ट है वो 100 ml का है एंड प्लस 10 ml इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है। अभी इसमें कुछ ऑफर चल रहा होगा आई थिंक, तो इसमें लिखा हुआ है फ्री 10% एक्स्ट्रा, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए इधर 10% एक्स्ट्रा, तो इसमें अभी 110 आपको ml दे रखा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर जो पपैया मतलब सनस्क्रीन है ये, तो आपको पता है पपैया हमारी स्किन को बहुत बहुत अच्छा, मतलब आपकी स्किन को बहुत लाइट करता है, आपकी स्किन पे जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह है ना, वो धीरे 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 रिड्यूस हो जाते हैं अगर आप कंटिन्यूसली पपैया पैक यूज़ करते हैं, पपैया फेशियल, मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर आप पपैया से पपैया फ्रूट को अपने फेस पर लगाते हैं, तो धीरे धीरे इससे आपकी स्किन है वो लाइट होती है। तो इन्होंने पपैया को यूज़ करके और इसको बनाया है, तो ये काफ़ी अच्छा है और मैंने इसे यूज़ भी किया है 2-3 बार, तो मुझे ही बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो इसमें प्राइस MRP नहीं दे रखी है इस, लेकिन जो मैंने मंगाया था इसे, तो इसके साथ में जो वो आई है, तो इसका प्राइस 118 rupees है। तो इस प्रोडक्ट को जो मैंने मंगाया था वो इस कार्डबोर्ड में आया था, और इसके अंदर इसमें जो ये पेपर दे रखा है, मैं आपको बताती हूँ इसका प्राइस क्या है। एक्चुअली इस ट्यूब पर प्राइस लिखा हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर प्राइस है इसका 108 rupees, यानी 108 rupees का है ये, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई भी इसे परचेज कर सकता है। और 100 ml का है तो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, आराम से आपका एक से दो महीने तो इजीली चल जाएगा अगर सिंगल कोई यूज़ कर रहा है तो, है ना। और यहाँ पर देखिए आप प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सेकेंड जो है मैंने दो प्रोडक्ट मंगाए थे, तो इसमें इस सेकेंड वाला जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्राइस लिखा है 108, ठीक है।
तो ये 108 रुपए का है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका टेक्सचर, और तो अब मैं आपको इसको ओपन करके बताती हूँ। इसमें इस तरह का लिड लगा हुआ है, ठीक है, और ये इस तरह से आएगा और इस तरह से बस, और आपको अपने पूरे फेस पर इसको लगाना है। एक्चुअली अभी मैंने ऑलरेडी इसको लगा रखा है, तो मैं आपको अभी हाथ पे ही बता रही हूँ लगा के। बस इसको आपको इजीली लगाना, एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये है, और एकदम इजीली ब्लेंड होता है, और बिल्कुल भी आपको अपने फेस पर चिपचिप नहीं लगता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको फेस चिपचिप नहीं लगेगा, और बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाता है, और आपकी स्किन पर एक अच्छा सा ग्लो भी देता है, और साथ में हल्का सा फेयरनेस भी देता है। आप देख सकते हैं जो मैंने स्किन पर लगाया है, तो इस तरह से इसका लुक आता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोग सोच रहे हैं परचेज़ करने का, क्योंकि समर है तो सब लोग ही सनब्लॉक तो लेकर रखेंगे अपने पास, और आप लोग सोच रहे हैं कोई अच्छा सा अफोर्डेबल मिल जाए, तो आप ये ज़रूर परचेज़ करके एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और सनस्क्रीन ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाएं तभी लगाएं, आप ये मत सोचिए कि हम लोग जैसे काफ़ी हाउसवाइफ हैं जो कि सोचती हैं कि हम लोग बाहर तो जाते नहीं है, है ना, तो सनस्क्रीन की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन इसको घर पे भी लगाना है आपको, मतलब एवरीडे आपको सनस्क्रीन तो लगाना है। ये आपकी स्किन को हार्मफुल जो रेज है ना उससे प्रोटेक्ट करेगी, मतलब जो धूप की जो रोशनी आती है ना उस रोशनी से भी हमारी स्किन डैमेज होती है, तो उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगी। अब आप घर पे रहें या बाहर रहें, आपको सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है लगाना, तभी आपकी जो बाकी की प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड जितनी भी, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपसे दूर रहेगी, अगर आप अपनी स्किन पर ऑलरेडी एक अच्छा सा लगाकर रखेंगे तो। तो ये छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, होप सो वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। और हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको, सॉरी, ये इसके साथ में फ्री आया था। एक्चुअली मैंने जो इसे मंगाया, ये ऑफ़र भी था उसके अंदर, विदाउट ऑफ़र में भी मिल रहा था और ऑफ़र में भी मिल रहा था, तो मैंने सोचा यार ऑफ़र में ही मंगा लेती हूँ विदाउट ऑफ़र में, और ऑफ़र में मैंने जाकर देखा तो मुझे इसके साथ में ये एक फेस पैक है ये जो फ्री मिला है। अगर आपकी स्किन में टैनिंग हो गई है तो आप इससे अपनी स्किन को डिटेन कर सकते हैं। इसे आपको लगाना होता है, 10 से 12 मिनट लगा रहेगा, और उसके बाद में आपको अपने फेस को मसाज करते हुए फेस वॉश कर लेना है, सिंपल सा है ये। तो मुझे ये इसके साथ में फ्री मिला है, तो काफ़ी अच्छा लगा, मैंने इसे भी एक बार यूज़ किया है। और ये जो है ये मिल्क और ओट्स से मिलकर बना हुआ है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और सभी के साथ शेयर करना, और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी के साथ शेयर करिए, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।